फ्रेंड्स, फ्लेमिंको रिदम्स का ये एक नया लेसन है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि फ्लेमिंको राइट हैंड टेक्निक को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने फ्लेमिंको रुम्बा का बेसिक फैशन सीख रखा है, कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, तो ये उसके आगे का पार्ट भी हम कह सकते हैं। प्लस अगर आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो तो भी ये लेसन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो बेसिक फ्लेमिंको रुम्बा टेक्निक थी उसमें हम राइट हैंड कुछ अपना ऐसे मूव करते थे कि डाउन अप डाउन अप स्वैप अप डाउन अप, ये टोटल 8 स्ट्रोक्स थे। वैसे मैंने आई बटन में ये पुराना लेसन दे दिया है, आप उसको वहां से वॉच कर सकते हो। और इसके आगे का पार्ट मैं अब आपको बताता हूं कि इसमें और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस बेसिक फ्लेमिंको रुम्बा में और हम क्या नई चीजें ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि लेसन शुरू किया जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले आते हैं बेसिक रुम्बा फैशन पर जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है। ये कुछ ऐसे प्ले होता था, ये सिंपल फैशन था। इसमें हमारे टोटल 8 काउंट्स थे, डाउन अप स्वैप अप डाउन अप, ये मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। अब इसके आगे हम करते हैं इसमें और वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। इसमें कुछ वेरिएशंस हैं जिसको ऐड करके हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमने एक लेसन ट्रिपलेट का भी सीखा था, तो अब इसी रुम्बा फैशन में हम ट्रिपलेट यूज करेंगे और बीच में ट्रिपलेट यूज करेंगे। तो ट्रिपलेट मीन्स 3 स्ट्रोक्स इन अ सिंगल बीट। मतलब जैसे हम ट्रिपलेट लेते हैं 1 2 3, यानी ये दो फिंगर हमने जोड़ के 1 2 एंड 3 ये लिया और ऐसे बजाया इसको, एक ही बार में ये तीनों स्ट्रोक आए ट्रिपलेट 1 2 3 1 2 3। 3 स्ट्रोक्स होने चाहिए, 1 ये डबल फिंगर जोड़कर हमने 1 लिया, देन अंगूठा डाउन और फिर थंब डाउन, 1 2 3 फर्स्ट स्ट्रोक इन 2 फिंगर से हमने लिया, सेकेंड थंब डाउन रिस्ट के साथ और फिर अप, यानी 1 2 3। ये 3 साउंड्स आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम फ्लेमिंको रुम्बा में ऐड करेंगे। तो फ्लेमिंको रुम्बा में क्या करते हैं, हम पहले डाउन अप स्लैप अप डाउन अप, ये हमारा बेसिक फैशन है, डाउन अप स्लैप अप डाउन अप। तो जब हम डाउन अप लेते हैं तो सेकेंड टाइम डाउन अप नहीं लेंगे, हमें टोटल 4 काउंट कैसे लेने होते थे, डाउन अप, तो अब हम फर्स्ट टाइम तो डाउन अप लेंगे, सेकेंड टाइम क्या करेंगे उसमें ट्रिपलेट ऐड कर देंगे, यानी डाउन अप ट्रिपलेट स्वैप अप डाउन अप। तो अब ये कुछ ऐसे बना, डाउन अप ट्रिपलेट स्वैप अप डाउन अप, डाउन अप ट्रिपलेट स्वैप अप डाउन अप, डाउन अप ट्रिपलेट स्वैप अप डाउन अप। तो ये स्पीड में कुछ ऐसे बजेगा। और बढ़ाएंगे तो ये पहले वाले से कैसे अलग हुआ, पहले रिदम ऐसे बज रही थी, और अब कैसे बज रही है, मतलब एक वेरिएशन आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम डाउन अप ट्रिपलेट ये ले रहे थे, अब हम 2 बार लगातार ट्रिपलेट लगाएंगे, यानी ट्रिपलेट स्लैप अप डाउन अप। तो ये रिदम कुछ ऐसे बनेगी, और इसी को स्पीड में बजा के देखते हैं। और स्पीड में ट्रिपलेट ऐड करके हम फ्लेमिंको रुम्बा में एक वेरिएशन ला सकते हैं जिससे रिदम मोनोटोनस ना लगे। और अब हम तीनों को मर्ज कर देते हैं, यानी फर्स्ट रिदम सेकंड रिदम और थर्ड रिदम, बेसिक फ्लेमिंको से स्टार्ट करेंगे रुम्बा से, अब नंबर 2 रिदम, अब नंबर 3,
तीनों को एक साथ बजाते हैं। तो इस तरह हम ये ट्रिपलेट ऐड करके इस रिदम में वेरिएशन ला सकते हैं। इसके अलावा एक लेसन हमने ये भी सीखा था जिसमें हम ये रिदम बजाते थे, स्लैप अप डाउन अप, स्लैप अप डाउन अप। ये भी मैं उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे देख सकते हो ये लेसन भी। तो इसमें हम क्या करते थे, पहले स्लैप लेते थे, स्लैप फिर फिंगर से अप डाउन और फिर अप, यानी स्लैप अप डाउन अप और फिर इस पोर्शन में स्लैप अप डाउन अप। तो ये ऐसे चलता था। अब इसमें भी हम ट्रिपलेट ऐड करके इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे स्ट्रोक्स थे स्लैप अप डाउन अप और फिर इस पोर्शन पे स्लैप अप डाउन अप। जब हम इधर स्लैप करते हैं तो स्ट्रिंग्स पर करते हैं, जब हम इस साइड स्लैप करते हैं तो वुड यूज करते हैं और ये वुड की साउंड लेते हैं। तो स्लैप अप डाउन अप, स्लैप अप डाउन अप। अब इसमें ट्रिपलेट कैसे ऐड करेंगे, हमने लिया स्लैप अप ट्रिपलेट, स्लैप अप ट्रिपलेट, स्लैप अप ट्रिपलेट, स्लैप अप ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट कैसे ले रहे हैं, वही स्टाइल, ये दोनों फिंगर जोड़ के 1 2 3, ये तीनों स्ट्रोक साथ में 1 2 3 1 2 3, ये ट्रिपलेट ऐड करना है। तो अब इसको हम देखते हैं थोड़ा स्पीड में। अब इसको हम कॉर्ड पर देखते हैं। तो इससे पहले ये रिदम जब बजती थी तो कुछ ऐसे बजती थी, ट्रिपलेट के बाद कुछ ऐसी हो गई। तो ये एक वेरिएशन आ सकता है ट्रिपलेट ऐड करके। तो आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही नए फिंगर स्टाइल गिटार लेसन देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुपर वोकल। थैंक यू फ्रेंड।